इजी और चटपटे मजेदार ये बनने जा रहे हैं। आज की हमारी रेसिपी है नरगिसी कोफ्ते। इसका हमने कीमा तैयार कर लिया है। इसके कीमे के लिए आपको चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसमें हमने डाला बेसन और एक अंडा। हरा धनिया, हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, आपने हरी मिर्चें 4-5 लेनी है, हरा धनिया आपने आधी गड्ढी लेनी है, प्याज इसमें दरमियानी एक डलेगी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डलेगा और गरम मसाला 1/2 टीस्पून डलेगा। तली हुई प्याज इसमें आप एक दरमियानी छोटी जो प्याज होती है वो आप इसको फ्राई करके इसके अंदर मिक्स कर लें। ये हमने चिकन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ में ले सकते हैं। स्पाइसेस वगैरह सारे इंग्रेडिएंट्स यही डालेंगे और ये हमारा जो है नरगिसी कोफ्तों का कीमा रेडी है। हमने एग बॉईल करके रख लिए हैं, इस तरह इनके पीस कर लिया। हम पूरे पूरे अंडों का नहीं बना रहे हैं, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म वाला है और ना ही हम इनको फ्राई करेंगे। ये वाली जो प्याज थी ये हमने पीसी थी ग्राइंडर में और ये जो है ये हमने फ्राई की थी। आपने ऑयल लेना है, ऑयल लेने के साथ आपने ये इतनी दरमियानी प्याज जो है उसके स्लाइसेस करके इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने इसमें ये मसाला डालना है, धनिया है 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च है हमने 1 टेबल स्पून डाली है, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और हल्दी जो है इसमें 1 टीस्पून है। ये मसाला आपने इसके अंदर ऐड करना है, पिसी हुई प्याज, तली हुई प्याज डालनी है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। और इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमने इसमें दही ऐड कर दिया है, तो इसका मसाला ये बना है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्च के 2-3 हरी मिर्च हैं, हमने इनको साबुती डाल दिया है, सिर्फ इनकी ऊपर से जो इनका एक डंडी होती है वो हमने इसमें से कट कर दी है। मसाला हमारा भुन रहा है, और यहाँ हमने इस तरह से बॉल बना लिए हैं, अंडे के ऊपर पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। देखें हमने अंडे को कोई फ्राई नहीं किया, जस्ट बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इनको 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद इस तरह देखें आपने अंडा एक हाफ, पहले आपने थोड़ा सा कीमा हाथ पे रखना है, उसके ऊपर हाफ एग को रखना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से कीमा कोट कर देना है। इससे ये होगा कि जो पूरे अंडों का जो नरगिसी कोफ्ते आप बनाते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और सर्विंग करने में भी इशू रहता है, तो आप अंडों को बीच में से कट कर लें और इस तरह इनको रोल कर दें, तो इस तरह ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा बनेंगे और इजीली बनेंगे। हम ना इनको फ्राई करेंगे ना कुछ, हम इन्हें डायरेक्ट अपने मसाले में डालेंगे इस तरह से। ये देखें हमने तैयार कर लिए। एक और आपको बना के दिखा देते हैं। ये आपने कीमा लेना है इतना, इसके ऊपर आपने अंडा रखना है, अंडा रखने के बाद आपने इसको दोबारा से कीमे से अच्छी तरह कोट कर देना है। इस तरह कोट करेंगे हम। इसमें ये होगा कि आपका कीमा भी कम यूज़ होगा, क्योंकि अंडे जितने बड़े होंगे तो आपकी इसको कोटिंग भी अच्छी इतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये हाफ अंडों में इस तरह से हमारे ये कोफ्ते बन रहे हैं। ये 2 तैयार हैं, बाकी बॉल्स हम बना रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। हमारे ये नरगिसी कोफ्ते देखें हमने रेडी कर लिए हैं एग के साथ, और देखें अभी ये कितने 3, 4, 5 और ये 6 बन गए। इसमें से इसके बाद इसमें कीमा बचा हुआ है हमारे पास। अब ये देखें हम इसको डायरेक्ट मसाला जो भुन गया है उसमें ऐड कर देंगे। कोई हमने इसको फ्राई नहीं किया है, कुछ नहीं, बस अंडों के ऊपर कीमा कोट करके और हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह हम इसको रखेंगे। नाज़रीन ये देखें हमने जो हमारा कीमा था और अंडे थे इनके नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लिए, और ये 1/2 किलो में तकरीबन हमारे पास 10 बने हैं नरगिसी कोफ्ते। अगर आप इसे फुल एग में लगाती हैं तो ये बहुत कम बनने थे। अब हम इसको हमने इसको फ्राई नहीं किया है, बस इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब हम इसको ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह भाप में हल्की आंच पे गल जाएं। ये देखें फ्लेम आपको इतना बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा हाई। 5 मिनट बाद आप लोगों ने इसको इस तरह से हिलाना है, चम्मच से नहीं हिलाना, इस तरह से आपने देगची को मूव करना है इस तरह से, ताकि ये जो कोफ्ते हैं ये ऊपर नीचे दोनों साइड से पक जाएं। 5 मिनट बाद आपने इनको इस तरह से नहलाना है, चम्मच यूज़ नहीं करना वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। ये देखें हमने ये 15 मिनट हो चुके हैं हमें, और आप देख रहे होंगे कि हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, कोई टूटा नहीं है, कोई कहीं से क्रैक नहीं हुआ है, ना हमने इनको फ्राई किया था, कोई भी हमने ना अंडों को फ्राई किया था और ना ही हमने
चिकन के इसके ऊपर कोट करके कीमे को दोबारा फ्राई किया हमने, सिर्फ इसके अंदर अंडे को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको चिकन के कीमे से कोट किया है, कोट करने के बाद डायरेक्ट इस मसाले के अंदर डाल दिया और 15 मिनट के लिए रख दिया। 15 मिनट में मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में आपने इसको इस तरह से हिलाना है। इसमें जब ये कच्चे हों तब इसमें चम्मच यूज़ नहीं करना, अब आप इसमें चम्मच यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पक चुके हैं। देखें ये कहीं से भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको इसमें लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, गरम मसाला, हरा धनिया और इसको सर्व करेंगे। ये है हमारे नरगिसी कोफ्तों का फाइनल लुक। हमने इसको सर्व कर लिया, इसके ऊपर हमने डाला धनिया, हरा धनिया, ये हम गरम मसाला डाल रहे हैं 1 पिंच। इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, आप देखिए ये कोई भी नहीं टूटे हैं। ये देखिए अभी भी ये पक रहे हैं और ये कोई नहीं बिखरे हैं। और इसके ऊपर हमने डाली है कसूरी मेथी 1 पिंच। बहुत ही मज़े की रेसिपी है नरगिसी कोफ्तों की, झटपट इजी और रीज़नेबल है। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। और ये हाफ़ के जी किचन से हम चिकन से सॉरी हमने 10 से 12 जो है नरगिसी कोफ्ते बना लिए हैं और ये हमने इसमें हाफ अंडा यूज़ किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।